अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सालिहा खान। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्टिविटी नंबर 7, 8 एंड एक्टिविटी नंबर 9 विच यू हैव गिवन इन अ मैथ समर टास्क ऑफ ग्रेड 8। सो द फर्स्ट एक्टिविटी इज एडिंग लाइक फ्रैक्शंस। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फ्रैक्शन इन एक्टिविटी नंबर 1। सो व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द इक्वल पार्ट्स ऑफ होल। किसी भी शेप को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसको फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? इस तरह हम फ्रैक्शन को लिखते हैं जिसके दो पोर्शन होते हैं, एक न्यूमिनेटर और जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। टुडे वी आर गोइंग टू डू वन स्टेप फर्दर, हाउ टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कॉमन होता है, सेम होता है, हम उसको किस तरह ऐड करते हैं? हम उसके कॉमन डिनोमिनेटर को एक दफ़ा लिखते हैं और उसके जो न्यूमिनेटर्स होते हैं जैसे 1 और 3 हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलें अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो वी हैव 2/8 जिसको हमने ऐड करना है 3/8 के साथ। ठीक है, सो हेयर वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर विच इज़ 8। सो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे 8, हम इसको ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, और जो इसके न्यूमिनेटर हैं विच इज़ 2 और साथ में जो हमारे पास दूसरा न्यूमिनेटर है 3, हम इसको ऐड कर देंगे। सो क्या हो जाएगा? 5, 2+3=5। सो द आंसर इज़ 5/8। सो हमने इस तरह ये सारी एक्टिविटीज़ विच इज़ एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 8 एंड एक्टिविटी नंबर 9 को सॉल्व करना है। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज समथिंग दैट शोज पार्ट ऑफ होल, राइट? अ फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? फ्रैक्शन को इस शक्ल में लिखते हैं जिसमें दो पोर्शन होते हैं, अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन। जो फ्रैक्शन का अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूमिनेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर। ठीक है, जो इसका लोअर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर होता है उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 करके पढ़ते हैं, बट जो इसका लोअर पोर्शन होता है विच इज डिनोमिनेटर, इसमें 2 को हम बोलते हैं हाफ। तो हमारी ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी? 1/2 फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह 2/2 फ्रैक्शन, फिर 1/3 फ्रैक्शन, 3 को क्या पढ़ेंगे? 2/3 फ्रैक्शन। ठीक है, 2/3, 2/4 फ्रैक्शन, 3/4 फ्रैक्शन। अब हमारे पास अगर एक कंप्लीट सर्कल दिया हुआ है जिसको हमने 1, 2, 3, 4 और 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो इसका एक शेडेड पोर्शन क्या कहलाएगा? 1/5। ठीक है, अगर हम इसके दो पोर्शंस को कर दें कलर तो क्या हो जाएगा? 2/5 फ्रैक्शन। अगर 3 कर दें तो 3/5 फ्रैक्शन। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट को भी कलर कर दें तो हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी 4/5। और अगर हम इसके लास्ट पार्ट को भी कलर कर दें तो ये बन जाएगी 5/5 विच इज इक्वल टू 1, मतलब कि एक कंप्लीट होल। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हमारे पास 2 पोर्शंस जो शेडेड हैं और टोटल 6 पार्ट हैं, तो हमारी ये 2 पोर्शन क्या बन जाएगी? 2/6। क्या बन जाएगा? 2/6। नाउ अगर हमारे पास एक फिगर है जिसके 6 पार्ट हैं और कंप्लीट सारे के सारे शेडेड हैं तो क्या आंसर होगा? 6/6 फ्रैक्शन। नाउ अनदर एग्जांपल इज, इसमें टोटल पार्ट हमारे पास 8 हैं लेकिन पोर्शन कितने हमारे पास शेडेड हैं? 2। सो द आंसर वुड बी 2/8 फ्रैक्शन। ठीक है, इसी तरह हमने ये पेज नंबर 3, 4 और 5 और 6 ये सब करने हैं। थैंक यू।